13 मई की सबसे उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर, साबुन तेल से लेकर खाने पीने की चीज हुई महंगी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हाल ही में जारी मौद्रिक नीति बैठक के विवरण के अनुसार मुद्रास्फीति के आसपास अनिश्चितताओं का कई उल्लेख किया गया है। ब्यौरे के मुताबिक आगे चलकर खाद्य कीमतों की अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर असर डालती रहेंगी। मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय के आधारित आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत में थोक महंगाई अप्रैल में 1.26% पर आ गई, जबकि मार्च में यह 0.53% थी। इस प्रकार अक्टूबर तक 7 महीनों तक नकारात्मक क्षेत्र में रहने के बाद यह 6ठे महीने सकारात्मक क्षेत्र में रहा। अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों के निर्माण, अन्य विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। मुद्रास्फीति बढ़ने पर अर्थशास्त्री अक्सर कहते हैं कि थोक मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि अच्छी है, क्योंकि यह आमतौर पर सामान निर्माताओं को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पिछले साल अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में चली गई थी। इसी तरह जुलाई 2020 में कोविड-19 के शुरुआती दिनों में WPI को नकारात्मक बताया गया था। अक्टूबर 2022 में कुल मिलाकर थोक मुद्रास्फीति 8.39% थी और तब से इसमें गिरावट आई है। विशेष रूप से थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2022 तक लगातार 18 महीनों तक दोहरे अंक में रही थी। सरकार मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख या अगले कार्य दिवस को थोक मूल्यों के सूचकांक जारी कर सूचकांक संख्या संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों से संकलित की जाती है। भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति इस बीच भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति मार्च में थोड़ी कम होकर 4.83% हो गई, जो इसके पिछले महीने 4.85% थी। भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति हालांकि RBI के 2-6% के आरामदायक स्तर पर है, लेकिन आदर्श 4% परिदृश्य से ऊपर है और खाद्य मुद्रा स्फीति विशेष रूप से चिंता का विषय है। हालांकि रुकावटों को छोड़कर RBI ने मुद्रा स्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से रेपो दर को संचयी रूप से 2050 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। ब्याज दर बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रा स्फीति दर में गिरावट में मदद मिलती है। हाल ही में जारी नवीनतम मौद्रिक नीति बैठक के विवरण के अनुसार मुद्रास्फीति के आसपास अनिश्चितताओं का कई उल्लेख किया गया है। ब्यौरे के मुताबिक आगे चलकर खाद्य कीमतों की अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर असर डालती रहेंगी। नवीनतम RBI की मौद्रिक नीति के अनुसार खाद्य कीमतों में दबाव भारत में चल रही अवस्फीति प्रक्रिया को बाधित कर रहा है और मुद्रास्फीति प्रक्षेप वक्र को 4% के लक्ष्य तक अंतिम रूप से लाने के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।